भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच विदेश मंत्री ने वीजा सेवाओं को फिर से चालू करने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा दी जाती है तो वो इसे फिर से शुरू करना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले भारत ने कनाडा के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया था क्योंकि भारत के राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं था। उन्होंने कहा कि राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वियना कन्वेंशन का सबसे बुनियादी पहलू है और अभी कनाडा में कई तरीकों से हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे राजनयिक सुरक्षित नहीं हैं। एस जयशंकर ने कहा कि मैं चाहूँगा कि वीज़ा का मुद्दा फिर से शुरू हो, मेरी आशा है कि ये बहुत जल्द होगा। Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoke parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time, more stuff will come out and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them which we did. भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो समस्याएं हैं वो कनाडाई राजनीति के एक निश्चित वर्ग और उससे जुड़ी नीतियों के साथ है। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में देश की संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के काफी विश्वसनीय सबूत मिले हैं। ट्रूडो ने कहा था कि वो कनाडाई खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट हो सकते हैं। कनाडा ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में तनाव आना शुरू हो गया था। दोनों के आपसी रिश्ते बिगड़कर अब तक के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत इन आरोपों से इनकार करता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा कि कनाडा अगर अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करेगा तो भारत इस पर जरूर गौर करेगा, जिसके बाद भारत ने कनाडा के लिए वीजा जारी करने की सेवाओं को बंद कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।